उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनावी पर्व शुरू होते ही सभी राजनीतिक पार्टियां सक्रिय हो चुकी हैं और सभी किसी भी तरह सफलता को पाने की कोशिश कर रहे हैं, तो किसी की असफलताओं को गिनाकर लोगों के बीच जाने का काम कर रहे हैं। तो वहीं सहारनपुर की नगर विधानसभा सीट से बीजेपी प्रत्याशी राजीव गुंबर ने जनतंत्र टीवी से खास बातचीत की है, सुनिए। उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव को लेकर जो है चुनावी पर्व शुरू हो चुका है और भाजपा का जो दावा है उनका कहना यह है कि हम 300 सीट जो है इस बार पार करेंगे। ऐसे में हमारे साथ पूर्व विधायक राजीव गुंबर जी मौजूद है, आइए हम उन्हीं से जानते हैं कि किन दावों को लेकर, किन बातों को लेकर वो जनता के बीच जाएंगे और जो है आने वाले जो तारीख है मतगणना की 14 फरवरी, उसमें किस तरह से अपनी जीत को हासिल करने की कोशिश करेंगे। जी सर, अब चुनाव शुरू हो चुके हैं, ऐसे में आपका क्या कहना है, किस बातों को लेकर आप जनता के बीच में जाएंगे? मैं जनता के बीच में समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी और कांग्रेस सरकार जो यहाँ उत्तर प्रदेश और केंद्र में रही है उनकी विफलताओं को लेकर और भारतीय जनता पार्टी के नरेंद्र मोदी जी और योगी जी की कार्यों की उपलब्धियों को लेकर और उनकी सफलताओं को लेकर जाऊँगा और जनता के अंदर ये विश्वास दिलाऊँगा कि जिस प्रकार से पिछले 5-10 सालों के अंदर भाजपा शासित सरकारों ने इस देश का और प्रदेश का विकास किया है, आप जब मुझे यहाँ से चुनेंगे तो उस विकास को मैं सहारनपुर के अंदर और बड़ी तेजी से करूँगा। सर, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि सहारनपुर नगर सीट का इतिहास रहा है कि सत्ताधारी सरकार का यहाँ विधायक नहीं रह पाया। आप भी जब उपचुनाव में जीत कर आए थे उस समय सपा सरकार थी, तो ऐसे में आपका कितना ये रहेगा कि यहाँ की हम सरकार तो आएगी आएगी और ऊपर से जो शहर सीट है वो भी आपके कब्जे में रहेगी? ये केवल एक भ्रामक प्रचार है। ये 3-4 चुनाव में ऐसी परिस्थितियाँ पैदा हुई कि जिनकी सरकार थी उनका विधायक नहीं, लेकिन उससे पूर्व हमारे माननीय लाल कृष्ण गांधी जी भी यहाँ से विधायक रहे और उस समय भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी। तो ये भ्रामक प्रचार वैसे ही फैलाया जाता है, इसमें कोई सत्य नहीं है। ये भ्रामक प्रचार तो नोएडा के बारे में फैलाया जाता है, बिजनौर के बारे में फैलाया जाता है, वहाँ जो मुख्यमंत्री जाता है वो दोबारा मुख्यमंत्री नहीं मिलता। हम इन सब भ्रामक प्रचारों बारे में फैलाया जाता है, वहाँ जो मुख्यमंत्री जाता है वो दोबारा मुख्यमंत्री नहीं मिलता। हम इन सब भ्रामक प्रचारों को तोड़ेंगे और ये विश्वास करते हैं उत्तर प्रदेश के अंदर योगी जी की सरकार बनेगी और सहारनपुर से मैं विधायक बनूंगा। अच्छा, यहाँ पे 7 विधानसभाएं हैं, ऐसे में आप क्या मानते हैं कि कितनी विधानसभाओं पर भाजपा को जीत हासिल होगी? हम 7 की 7 विधानसभाएं जीतेंगे निश्चित रूप से, इसमें कहीं कोई कहने का संकोच नहीं है। आज योगी जी के कार्यों को लेकर हम लोग जनता के बीच में जा रहे हैं। योगी जी ने जिस प्रकार से एक स्वच्छ प्रशासन दिया है, एक सुदृढ़ उत्तर प्रदेश बनाया है, एक गुंडा मुक्त और भ्रष्टाचार मुक्त उत्तर प्रदेश बनाया है और गरीबों को जिस प्रकार से सुविधाएं दी हैं उसके में हम कहीं चिंता नहीं है कि हम किस सीट पर कहीं कमजोर हैं। तो ये थे हमारे साथ पूर्व विधायक राजीव गुंबर जी, जिनका कहना ये था कि हमने जो है जो योगी जी का जो शासनकाल था 4.5 साल का जो कार्यकाल था उसमें उन्होंने जो है बहुत मजबूत स्थिति पैदा करी है, विकास किया है और ऊपर से जो है बहुत सारे काम ऐसे किए हैं जिनको लेकर वो सरकार लोगों के बीच में जाएंगे। जनतंत्र टीवी के लिए मैं दीपक तिवारी, सहारनपुर। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन, नेवर मिस एनी अपडेट। डाउनलोड कीजिए जनतंत्र टीवी ऐप को, जो कि अवेलेबल है गूगल प्ले और ऐप स्टोर पर। अधिक जानकारी के लिए अभी डाउनलोड करें।